ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकाय च क्षुरोन्मित्तं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गुरुवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पश्यत्यते सुतारिणे मंचकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। परम पूज्य भक्ति गौरव नारायण स्वामी महाराज के मुखारविंद से मैं गोवर्धन लीला सुन सुन रही थी, तो आज मैं उस गोवर्धन लीला के बारे में कुछ बोलने की प्रयास करूंगी। अगर बोलने के माध्यम से कुछ भूल हो रही है तो कृपा करके क्षमा कीजिए। गिरिराज गोवर्धन कृष्णा जी का स्वरूप है, परंतु पहले ब्रजवासियों को ये पता नहीं था कि गिर गोवर्धन वो भगवान का स्वरूप है। तो वो पहले गोवर्धन को एक साधारण पहाड़ समझ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण इसीलिए ये गोवर्धन धारण लीला के आयोजन किए। इनकी नाम से ही पता चलता है कि इनका ये कोई साधारण पर्वत नहीं है। गिर राजा अर्थात पर्वतों में जो राजा है, गिरि गोवर्धन का जो आगमन हुआ है वो गोलोक वृंदावन से हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव भक्तों का सुरक्षा के साथ साथ अभक्त है, जो अभक्त है असुर प्रवृत्ति है उनका विनाश करना और धर्म का स्थापन करना, ये मुख्य उद्देश्य है। तो भगवान आविर्भूत होने से पहले गोलोक वृंदावन में श्रीमती राधा रानी को कहते हैं कि मुझे मर्त्य लोक में जाना है, इसलिए तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। तो राधा रानी बोलते हैं कि जिस स्थान पर गिरिराज गोवर्धन नहीं है, यमुना नहीं है, उस स्थान में मैं नहीं जा सकती। तो भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन धाम से 84 कोस परिमित भूमि को इस ब्रजवासी इस भौतिक जगत में भेजते हैं और यमुना जी को भी भेजते हैं। तो गिरिराज गोवर्धन के आविर्भाव होने से पहले गोलोक वृंदावन में उनका नाम था सत्सिंह। उनका ऊंचे ऊंचे शिखर थे इसीलिए उनका नाम सत्सिंह था। गिरिराज गोवर्धन सर्वप्रथम सालमोई द्वीप में द्रोणाचल पर्वत में पर्वत के पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए। इनका विस्तार 8 योजन अर्थात 96 किलोमीटर की लंबाई थी और चौड़ाई 5 योजन यानी 60 किलोमीटर। इनकी हाइट 2 योजन यानी 24 किलोमीटर। गिरिराज गोवर्धन में तरह तरह की वृक्ष लता और उसमें फल पुष्प भरे हुए थे और तरह तरह की झरना भी प्रवाहित हुए थे। सुंदर सुंदर गुफाएं, बहुत सारे रत्नमय पत्थर थे। तो इस प्रकार गिरिराज गोवर्धन एक विशाल और सुंदर पर्वत के रूप में आविर्भूत हुए थे। एक बार वाराणसी से जब पुलस्त्य ऋषि ने सालमय द्वीप में आ गए तो और इस गोवर्धन पर्वत को देखा तो बहुत आकर्षित हुए और सोचा कि अगर इस सुंदर पर्वत में मैं वाराणसी ले जाऊं तो वहां पर इस पर्वत के ऊपर मैं बैठ के तपस्या कर सकता हूँ। तब पुलस्त्य ऋषि ने गोवर्धन पर्वत के पिता को कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र को गोवर्धन को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तब जब गोवर्धन को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ ऐसे बोले तो द्रोणाचल जो गोवर्धन गिरि गोवर्धन के पिता है उन्हें जब सुने तो वो बहुत दुखी हो गए थे। उनका स्थिति इस प्रकार हुआ था जैसे कि दशरथ महाराज के हुए थे जब रामचंद्र जी को वनवास जाना हो पड़ा था, उसी प्रकार स्थिति द्रोणाचल का भी हुआ था। तो द्रोणाचल के मन में डर भी था कि अगर मैं इनका बात नहीं मानू तो शायद ये श्राप दे सकते हैं। तो इस प्रकार वो दुविधा में रह के उनको उनके बातों में राजी हो गए और उनको गोवर्धन जी को उनके साथ जाने के लिए अनुमति दे दी। तो गोवर्धन ने ऋषि को पूछा, जब पुलस्त्य मुनि गोवर्धन जी को लेके जा रहे थे तो गोवर्धन जी ने पूछा कि मैं इतना विशाल रूप हूँ, आप मुझे कैसे लेके जाओगे। तो पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि मैं अपने योग शक्ति के बल से अपने हथेली पर आकाश मार्ग से बनारस से आपको लेके जाऊंगा। तो गोवर्धन ने पुलस्त्य ऋषि को कहा, मेरा एक शर्त है, यदि आप मुझे कहीं भी भूमि पर रखते हैं मैं वहां से फिर आगे नहीं जाऊंगा।
तो पुलस्त्य ऋषि ने उनके शर्त पर राजी हो गए। तो पुलस्त्य ऋषि अपने दाहिने हाथ की हथेली पर गोवर्धन को उठाए और आकाश मार्ग पर उड़ते हुए सालमय द्वीप से वाराणसी गए। गिरिराज गोवर्धन को कृष्ण के लीला में तो सहायक होना था, तो ये लीला दर्शन उनका लीला दर्शन करना था। तो इसीलिए जब पुलस्त्य मुनि ब्रजमंडल के ऊपर होकर जा रहे थे तो गोवर्धन जी ने अपना भार बढ़ाना शुरू किए। तो गोवर्धन का वजन बढ़ता गया तो पुलस्त्य मुनि भार संभाल नहीं पाए, फिर अपने शर्त भी भूल गए उस वक्त। तो फिर आकाश मार्ग से आगे नीचे ब्रजधाम ब्रजमंडल पर आकर रख दिए नीचे भूमि पर गोवर्धन जी को। रख के चले गए वो लघु शंका करने के लिए। पुलस्त्य मुनि जब आए गोवर्धन जी को उठाए फिर लेके जाने के लिए, तो गोवर्धन जी उठे नहीं। उन्होंने गिरिराज को मनाया लेकिन गिरिराज उठे नहीं और पुलस्त्य मुनि क्रोधित हो गए। तो गोवर्धन जी बोलते हैं कि आप क्यों क्रोधित हो रहे हैं, आपने तो पहले से इस प्रस्ताव में इस शर्त के ऊपर राजी हुए थे कि मैं जब जिधर अगर भूमि में आप मुझे रख देंगे मैं उधर से और नहीं जाऊंगा, इस शर्त पर आप राजी हो गए थे। फिर पुलस्त्य मुनि क्रोधित होकर गोवर्धन जी को श्राप देते हैं कि इतना विशाल का पर्वत होने के कारण तुम्हारा अहंकार हो गया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि एक सरसों के बीज के हिसाब से तुम्हारा क्षय होगा प्रतिदिन। तो ये श्राप देकर पुलस्त्य मुनि चले गए और गोवर्धन जी इस श्राप को लेकर ब्रजभूमि में रह गए। ये सत्ययुग की घटना थी। यहाँ पर एक प्रश्न उठता कि गिरिराज गोवर्धन तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का रूप है, उनको मुनिवर कैसे श्राप दे सकते हैं? ये भगवान की इच्छा से हुआ तो घटना घटी। भगवान चाहते हैं कि गिरिराज इस ब्रजभूमि में रहेंगे और भगवान को द्वापर युग में आकर लीला करनी थी गोवर्धन जी के साथ। इतना बड़ा पर्वत में भगवान को लीला करने में कोई कष्ट नहीं होगा, परंतु ग्वाल बाल गाय बछड़े के साथ भगवान को लीला करनी थी, इसलिए भगवान जी की इच्छा से गोवर्धन जी की उच्चता कम होगी। अभी भी गोवर्धन जी की जो उच्चता है एक सरसों के बीज जैसे कम हो रही है, नीचे जा रहा है। और परम पूज्य भक्ति गौरव नारायण स्वामी महाराज बता रहे थे कि जब गोवर्धन जी की परिक्रमा के मार्ग के सामने उनका जब आश्रम था, वो लोग पानी के लिए बुलाए थे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों को दिल्ली से। उनको देखना था भूमि के कितने नीचे मीठा पानी है, तो वो लोग मशीन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वेव भेजा नीचे। उन्होंने देखा भूमि के नीचे 18 मीटर के नीचे पत्थर का लेयर शुरू होता है और उसका अंत मिल नहीं रहा है। और फिर उन्होंने पीछे की तरफ गए और फिर इलेक्ट्रॉनिक वेव के नीचे भेजा तो 90 मीटर के बाद पत्थर का स्तर आया और वो भी कितना नीचे गया उनका कोई उसका अंत नहीं मिला। तो उन लोगों ने रिपोर्ट दिया कि यहाँ मीठा पानी नहीं मिल सकता, इसका मतलब गिरिराज मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। हम जो अभी गिरिराज को दर्शन कर रहे हैं वो उनका अग्रभाग है। तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण बहुत सारे लीला किए हैं, उनमें से गोवर्धन लीला एक है। एक बार भगवान ने देखा कि ब्रजवासियों ने और कुछ यज्ञ की आयोजन कर रहे हैं, उनके साथ नंद महाराज भी उपस्थित थे और उसके लिए तरह तरह की वस्तुएं जुटा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ पता है, फिर भी उन्होंने जाकर नंद महाराज जी को प्रश्न करते हैं कि ये यज्ञों के आयोजन किस लिए है, इसका क्या फल प्राप्त होगा? तो नंद महाराज कहते हैं ये इंद्र जो है वो मेघों का स्वामी है, मेघों के द्वारा इंद्रदेव ने शस्य उत्पादन करने में सहायक होते हैं, तो इसीलिए इंद्र की पूजा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज को और सब ब्रजवासियों को समझाने के लिए कहते हैं कि आप लोग पूजा कर रहे हो तो केवल इंद्र ने इस ब्रजभूमि में तो बारिश नहीं करते हैं ना, वो जिस जगह पर बारिश जरूरत नहीं होती है उधर भी होती है बारिश, नदियों में समुद्र में हर जगह तो बारिश होती है। और जिस जगह जो कोई भी पूजा नहीं करते यज्ञ नहीं करते उस जगह पे भी बारिश होती है, तो ये पूजा का आयोजन किस लिए है?
हमारा तो पेशा जो है गोचारण है, और अधिक समय हम वन में बिताते हैं। तो हम जिनके कारण जीवन धारण कर रहे हैं, मतलब उनका गांव का और ब्राह्मणों का और गिरिराज गोवर्धन का पूजा करना चाहिए। इससे हमें सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जितने भी सामग्री इंद्र की पूजा करने के लिए इकट्ठा किए हैं, उसको गोवर्धन जी और ब्राह्मण जी और गाय की पूजा में उपयोग कीजिए। तो भगवान समझाते हैं कि कैसे 56 भोग से गोवर्धन जी की पूजा करना है। वेदज्ञ ब्राह्मण को बुलाकर यज्ञ करने के लिए भी बोलते हैं भगवान। इसलिए ये सब बता रहे हैं क्योंकि कृष्ण भगवान ही सभी यज्ञों और पूजा के योग्य है, और गोवर्धन कृष्ण भगवान के तो विस्तृत रूप है। तो फिर ब्रजवासी गोवर्धन जी की पूजा किए और जितने सारे भोग लगाए, गोवर्धन जी प्रकट हुए और गोवर्धन जी सब ग्रहण किए और संतुष्ट नहीं हुए और मांगने लगे। तो परंतु पूरा सब जितना भी भोग पदार्थ था वो खत्म हो गया, और उधर बलराम जी कृष्ण जी के साथ उपस्थित थे और उन्होंने एक तुलसी पत्ता ला के रख दिया गोवर्धन जी के सामने। तो फिर वो संतुष्ट हो गए, और भगवान श्री कृष्ण को कहने के अनुसार ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा की परिक्रमा की प्रसाद पाकर ऐसे उत्सव मनाए। फिर ये जो समाचार है वो पहुंच गया इंद्र के पास। तो इंद्र बहुत क्रोधित हुए कि मेरी पूजा छोड़कर ये लोग एक बालक की बात पर आ गए। उनके बालक के बात के अनुसार ये लोग एक पहाड़ की साधारण पहाड़ की पूजा कर रहे हैं। इंद्र क्रोधित होकर ब्रज पर और ब्रजवासी पर बहुत अत्याचार करने लगे। ब्रजवासी को नष्ट करने के लिए और ब्रजभूमि को तहस नहस करने के लिए बहुत आंधी तूफान ऐसे करवाए। ये सब अत्याचार से ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान कृष्ण 7 दिन 7 रात अपने लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा के रखते हैं, और उसके नीचे सारे ब्रजवासी आश्रय लेते हैं। तो अब इंद्र को समझ आता है कि नहीं, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये भगवान है। तब उसका अहंकार खत्म होता है। तो इंद्र ने वो आंधी तूफान करवाए थे उसको बंद करवाए और भगवान के शरण में आते हैं। तो फिर भगवान गोवर्धन के पूर्व स्थान पर रख देते हैं। फिर इंद्र जब क्षमा मांगते हैं तो भगवान उनको क्षमा करते हैं और बोलते हैं कि ऐसे मतलब कभी भी इस प्रकार का अहंकार करके कोई अपराध ना करे। एक्चुअली महाराज ने ये गोवर्धन लीला को बहुत सुंदर रूप से और विस्तार रूप से वर्णना किए हैं। मैं उसको बहुत शॉर्ट करके बता रही हूँ क्योंकि समय का अभाव है। मेरे बोलने के माध्यम से अगर कुछ त्रुटि हो रही है तो कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण।